सभी को राधे राधे। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि लेकर आए। तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि जीवन रेखा के छोटे होने के बारे में है। इस पर बहुत ज़्यादा डाउट फैला हुआ है कि अगर जीवन रेखा छोटी हो तो जीवन कम होता है या आयु कम होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को कम्प्लीटली दिमाग से निकाल दें। और आज हम कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में बताएंगे जो कि अगर हाथ में है तो आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो जो सबसे पहला साइन है वो ये है कि हथेली और कलाई को जो रेखा जोड़ती है उसके ठीक नीचे कुछ लाइनें बनती हैं, उनको ब्रेसलेट लाइनें या मणिबंध रेखाएं बोला जाता है। तो अगर वो दो या दो से ज़्यादा हैं तो वो आयु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पाई गई हैं या देखी गई हैं। ठीक, तो पहला साइन ये है। दूसरा जो साइन है वो है सन माउंट पर। सन माउंट कहाँ होता है, ये जो रिंग फिंगर आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे जो ये पार्ट है इसको सूर्य पर्वत या सन माउंट बोलते हैं। तो अगर ये आपका विकसित है या फिर अगर विकसित नहीं है तो इस पर शुभ चिन्ह है, जैसे कि फिश का साइन हो गया, स्टार का साइन हो गया, तो ये बहुत अच्छा होता है आयु की वृद्धि के लिए। ठीक, तीसरा जो साइन है वो समझ लीजिए, वो है आपकी हृदय रेखा, यानी कि ये, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। ये जितनी ज़्यादा पुष्ट होगी, लंबी होगी, लंबी का मतलब कि जो आपकी बीच वाली फिंगर है उसके ठीक नीचे ये जो पार्ट होता है ये शनि पर्वत कहलाता है। तो शनि पर्वत के क्षेत्र के नीचे तक अगर आ रही है और इसमें कोई दोष नहीं है, मतलब कि टूट फूट नहीं है, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है आयु में वृद्धि के लिए। और अगर आप भारतीय सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो इसी रेखा को आयु रेखा या जीवन रेखा कहा गया है उसमें। ठीक, तो ये पुष्ट होनी चाहिए, ये आयु के लिए बहुत अच्छी होती है। अब जो चौथा साइन है वो है अपना मून माउंट। मून माउंट कहाँ होता है, वो यहाँ पर होता है। ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा, पुष्ट होगा, शुभ साइन इसमें होंगे या शुभ चिन्ह होंगे, ये आयु को बढ़ाने वाली बात होती है। ठीक, तो ये चार चीज़ें अगर हाथ में है तो आयु से रिलेटेड कोई भी कमी या दोष हो ही नहीं सकता हाथ में। ये छोटी हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।